हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। लास्ट एपिसोड में भाई हम लोगों ने काफी प्यारे काम करने की कोशिश करी थी, मतलब कि अपनी शादी करनी चाहिए थी, बट वो हो नहीं भाई। जो किस्मत में होता है भाई होता वही है। फिलहाल पॉइंट ये हुआ कि एक हादसा हो गया, जैसे कि बिग माफे का छोटा भाई वो कल ही मर गया था प्लेन क्रैश में। जैसे कि भाई एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें लेसर का दोस्त भी था और बिग माफे का छोटा भाई भी था, वो भी मर गया। तो इसलिए मेरे को भाई शादी डिले करनी पड़ी, क्योंकि सीधी सी बात है बिग माफे आप ट्रेवल का बड़ा भाई होकर रखा है और अभी नहीं कर सकते, मजबूरी है क्योंकि अपनी फैमिली में डेथ हो गई है। तो इसलिए थोड़ा कुछ दिन मतलब डिले करना पड़ेगा। और अभी तो भाई मेरे को पता भी लग गया है, मतलब कुछ बंदों ने जैसे कि लॉस वाले ने सुपारी ली थी, लॉस वाले ने बोला कि लूसीफर ने बोला था काम करने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो मेरे को पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं ग्रीचेस क्यूड को लेकर के आया, जो कि लॉस सैंडो सबसे अमीर बच्चा है उसको मैं लेकर के आया। लेकर के आने के बाद में उसको मैंने रखा फैसिलिटी में और वो बंदा भाग गया गायब होकर के। ऐसा लेस्टर का कहना है कि उसके पास एक वॉच है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हम बाद में पता कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ भाई, एक वेपन की डील्स हो रही है बहुत बड़ी, जहाँ पर देखा गया है मिसिज विल्सन को, अपनी वही ड्राइवर की मोम, जो मोमी लगती है सीधी सी बात है, उन्होंने पाला था ड्राइवर को। तो जल्दी से पहुँचता हूँ भाई कि आखिर मिसिज विल्सन ये क्यों कर रही है, उनको ऐसी करने की क्या जरूरत पड़ गई, वेपन्स खरीद रही है। कल ह्यूमन लैब में थी जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कुछ तो गड़बड़ चल रही है भाई मिसिज विल्सन के साथ में। मेरे को पता करना पड़ेगा ये मिसिज विल्सन कहीं विलन ना हो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़, बिल्कुल ऐसा ना हो। तो चलिए जल्दी से पहुँचता हूँ, देखते हैं सच्ची में इस बात में दम है या नहीं है। मैं पहुंच गया भाई जगह पर, तो फिलहाल मैं वॉच को यूज़ करके ही ऊपर की तरफ जाऊंगा। ट्रेवर वॉच को यूज़ कर ले, ओके भाई वॉच मैंने यूज़ कर लिया, बहुत बढ़िया। ट्रेवर जल्दी से उधर भाई, ओके ट्रेन जा रही है, यहाँ पर ट्रेन 24 घंटा जाती ही रहती है। पीछे 100 मील है भाई, देखो यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आई मिसेज विल्सन। वैसे मिसेज विल्सन बहुत अच्छी लेडी है, आपको बोलिए ट्रेवर का बहुत ख्याल रखती है, मतलब सारे काम वो बहुत अच्छे ही करती है। तो फिलहाल बट यहाँ के कहा अरे भाई 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 सच्ची में मिसेज विल्सन ही है यार, ये अमेजिंग लेवल चल रहा है, ये कैसे हो सकता है ट्रेवर की मोम बदमाश। नहीं 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 मिसेज विल्सन प्लीज़, ये क्या कर रही हो आप? कल आप ह्यूमन लैब में थी बदमाशों के बीच में, जनरल के बीच में, वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था आपको याद है, वही फॉर्मूला 45, ये वहाँ पर भी थी और ये आज यहाँ पर भी है। कुछ तो है और कुछ तो मेरे को पता करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा हट करके कॉल करता हूँ लेसर को, लेसर ब्रो यार मिसेज विल्सन के ऊपर 24 घंटे नज़र रख। फिलहाल मैंने इनके ऊपर पहले भी नज़र रखवा के रखी थी बट मेरे को अभी तो ज़्यादा शक हो गया इनके ऊपर। कल तक तो चलो इतना था भी नहीं, क्या पता इन्वेस्ट कराओ पैसा, आपको पता है ह्यूमन लैब में गवर्नमेंट के काम चलते रहते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, तो क्या पता गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट कराओ इन्होंने। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करी होती तो यहाँ पर क्यों आई है वेपन्स खरीदने के लिए? वेपन्स को क्या करेगी भाई, ये थोड़ा अजीब बात मेरे को लगी। लेस्टर ब्रो फोन उठाओ और जल्दी से पिज्जा का ऑर्डर लगाओ, नहीं नहीं मतलब कि फोन उठाओ और फटाफट से चलिए जल्दी से, देखते क्या इन्फॉर्मेशन को बताने वाला है। मैंने बात कर ली है लेस्टर से, लेस्टर काम पर लग चुका है, बोल रहा है ड्राइवर तू पहले मेरी फैक्ट्री भरा, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं पता लगाऊंगा सारा काम क्या चल रहा है। भागो बे खरगोशो, निकलो निकलो। तो ठीक है चलिए भाई लेस्टर के पास से निकलते हैं, देखते हैं नमूनों का सरदार क्या मुझे बोलने वाला है। पहुंचता हूँ मैं, पहुंच गया हूँ भाई लेस्टर की फैक्ट्री पर। लेस्टर ब्रो बच गया है लेस्टर नमूना भी वैसे, बट सीधी सी बात है केस तो इसके ऊपर लग के रखा ही है भाई अपने जनरल को मारने का। मैंने बोला तो जब तक थोड़ा सावधान रहे, मैं पता लगाता हूँ कि आखिर वो सारा काम किसने किया है, जल्द ही पता लगा लेंगे भाई कि किसने आखिर ये किया था। वैसे सीधी सी बात है डेविल ने करवाया था, बट डेविल ऐसा नहीं करेगा यार, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो मेरे रसगुल्ले, फूले हुए रसगुल्ले, क्या प्रॉब्लम बोल। लेस्टर से बातें हो गई है बहुत सारी यार, सच्ची में अमेजिंग लेवल है ये बच्चा, मतलब जो वो बेबी था जोन, जब मेरे वो फैसिलिटी से निकल करके भागा तो उसकी वॉच बाद में ऑफ हो गई थोड़ी देर के बाद में, फिर वो दिखना शुरू हुआ। और पता है वो हाईवे से जा रहा था बेचारा पैदल पैदल, क्योंकि कोई गाड़ी उसको नहीं मिली थी। उस बच्चे को फिर कोई किडनैप करके ले गए भाई बंदे, और पता है किडनैप करके कहाँ पर लेकर गए है? लॉस सैंटोस की जेल में, जेल में से कुछ बंदे मतलब निकल के आए और उसको ले करके चले गए। फिर बाद में लेस्टर ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई बच्चे के बारे में और उन बंदों के बारे में, तो ये पता लगा उसके पापा के वो कुछ दुश्मन थे जो कि हफ्ता मांगा करते थे और उनको ब्लैकमेल किया करते थे कि हमें पैसा दे दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्योंकि आपको पता है जॉन के पापा बिजनेसमैन थे, काफ़ी अमीर बंदे थे लॉस सैंटोस के, तो आपको पता है बड़े बड़े बंदों को धमकी आती रहती है फिरौती के लिए कि पैसा दो नहीं तो बहुत मारेंगे। तो ऐसे ही कुछ था, और फिलहाल उन्हीं बंदों को फिर उसके पापा ने एक बार जेल में पकड़वा दिया था और बाद में फिर वो जेल में रहे काफ़ी सालों तक। बट जब उन्हें पता लगा अभी कि वो बेबी बाहर घूम रहा है बिना सिक्योरिटी के, तो उन बंदों ने पता नहीं पुलिस से क्या सेटिंग करी, पुलिस से सेटिंग करने का जो बाहर निकले और बेबी को अंदर ले गए। लेस्टर बोल रहा है कि उसको जान से मारेंगे और किसी को पता नहीं चल पाएगा, ड्राइवर प्लीज़ उस बेबी को जाकर के बचा, गड़बड़ हो गई है बहुत सारी। लेस्टर ब्रो टेंशन मत ले, बस तू मेरे को थोड़ी देर में ठिकाना बता दे भाई, ये मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता करके बता रहा है उस बेबी कहाँ पर है, कौन सी वाली जेल में गया है, फिलहाल जिस जेल में थे वहीं पर गया या नहीं गया, 2 मिनट में मतलब थोड़ी देर में कन्फर्म हो जाएगा सारी चीज़ें। लेस्टर भाई बहुत अच्छी खबर तूने मेरे को निकाल के दी है भाई, नहीं तो मैं तो ऐसे ढूंढता रहता बेबी कहाँ गया वगैरह वगैरह। फिलहाल उसको तो उसके पापा के दुश्मन ले गए और सीधी सी बात है बदला लेने के लिए उसको जान से मार देंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे एक सेकंड भी। और मेरे को जब वो बाद में बच्चा मिल जाएगा उससे ये भी पता करना है कि आखिर वो गायब हुआ कैसे था।
बोझ है या क्या है उसके पास, वो तो मेरे को पता करना पड़ेगा। बिग माफिया भैया का फोन आया भाई, ये बिग माफिया चैन से नहीं बैठेगा। मैंने देख लिया, जब तक इसके भाई का बदला नहीं होगा पूरा, ये चैन से नहीं बैठने वाला। पता नहीं क्यों मेरे को बुला रहा है, इसने मेरे को एक जगह बुलाया है, वो भी माउंट शेरेट के पास में, समुद्र के पास में, बिल्कुल लास्ट हो जाता है जब वहां पे हमारे लोस सैंटोस का। पहुंच गया हूं मैं जगह पर, बिग माफिया भाई यहां पर खड़े हुए, मेरी गाड़ी पीछे की तरफ मैंने खड़ी कर दिया। हेलो बिग माफिया ब्रो, भाई ये तो लगता है किसी बंदे से हेल्प लेने में लग रहा है। बिग माफिया भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सबको संभाल लूंगा। माफिया से बात हो चुकी है, मेरे को बोल रहा है ट्रेवर तो टेंशन मत ले, मेरे भाई का बदला है, मैं लेकर के रहूंगा, मेरे भाई का बदला है। बार बार यही बोल रहा है, अरे भाई तेरे भाई का बदला हो गया, मैं मानता हूँ मेरा भी तो भाई था ना, जब तुम मेरे भाई तो मेरा भी भाई फिलहाल, बट ये नहीं मानेगा। पता इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आकर के इन बंदों से कुछ हेल्प तो ले ही रहा है, स्ट्रेटेजी तो बना ही रहा है, और मेरे को बोल रहा है ट्रेवर चाह चाह करके देख। उन बंदों से मैंने थोड़ी देर और पूछा, उन्होंने अपनी बात नहीं बदली, इसका मतलब वो सच बोल रहे थे, लूसीफर के कहने पर सारा काम किया। ट्रेवर लूसीफर को हम दोनों भाई मारेंगे अब ढूंढ करके। मैंने इजिप्ट में जब मैं लूसीफर के पास गया था, मैंने मतलब ज्यादा बातें मैंने किसी को नहीं बताई थी, मैंने बोला था कि हाँ लूसीफर है, बट मैंने ज्यादा बातें शेयर नहीं करी उसके बारे में, कौन वगैरह 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 वगैरह, मतलब और ज्यादा डिटेल्स मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मेरे को खुद ही उसको हैंडल करना था। बट अभी अगर मैं इसको और बता भी नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है, बिग माफिया पागल हो गया है भाई, ये तो लूसीफर को ढूंढने के चक्कर में लग रहा है। अब इसका लास्ट टारगेट है सिर्फ लूसीफर को मारना अपनी लाइफ में, और उसके बाद ये कुछ नहीं करने वाला, मतलब कि जब तक ये कुछ नहीं करेगा जब तक लूसीफर नहीं मरेगा, और मैं लूसीफर को मरने नहीं दे सकता भाई अभी, क्योंकि मेरे को चेक करना है लूसीफर कौन है, वो इंसान है नहीं है, वो क्या कर क्या रहा है, क्यों आया लॉस सैंटोस में, मेरे को ये पता करना है। और बिग माफिया ने तो अपने गुस्से के चक्कर में एक काम कर भी दिया जो मैं आपको बता ही रहा था, वो ये कि उन लॉस वालों को उसने जान से मार दिया मेरे उस बाइक के अड्डे पे, सभी लॉस वाले मर गए बोल रहा है देख करके आजे ड्राइवर, मैंने सभी को जान से मार दिया, जा जा करके देख ले अपनी आंखों से। भाई साहब ये तो बहुत गुस्सा होकर रखा है, इसे तो लॉस वालों को बैंड बजा दिया, फिर जाकर के चेक कर लेता हूँ भाई सच में सारे सारे बंदे मर गए कुछ बचे भी है। मैं लॉस वालों के पास पहुंच गया भाई, बहुत 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 बुरा हुआ बेचारों के साथ में, बिग माफिया ने तो गुस्सा ले लिया, मतलब गुस्सा उतार लिया अपने भाई का, आप देख ही रहोगे सारे बंदे मार दिए होंगे इसके अंदर बेस में भी, लगभग जाने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, लेस्टर चेक कर लिया कैमरा से। मैं बाहर का नज़ारा देख करके ही समझ सकता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई, बिग माफिया तो बहुत मारेगा लॉस वालों को। मेरे प्यारे भाइयों सो सॉरी जैसा भी हो गया मैं कुछ कर नहीं सकता, बात खत्म। तो भाई चलिए लॉस वालों का ये वाला बेस खत्म हो गया, वैसे मेरे को मारना ही था खाली, तो मैं भी करना चाह रहा था अपना बेस, वैसे मेरा ही बेस है बाइक अड्डा आपको बताइए, तो चलिए उसने मारा मैंने मारा एक ही बात है। बट फिलहाल वो लूसीफर तक शायद ना पहुंचे तो बहुत अच्छा है, बट अगर पहुंच गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाएगी। चलिए निकलता हूँ यहाँ, मेरे पास फिर से लूसीफर का फोन आया, ये बंदा हजारों साल जिएगा याद करा, और शैतान हाजिर हो गया। तो फिलहाल मेरे को बोलता है ट्रेवर अपनी वॉच को यूज करके मैरीवेदर के बेस पर जा, असली वाले बेस पर, वहां पे जा करके ना अपनी पेन ड्राइव लगा और उसको हैक कर सर्वर को, मुझे उससे कुछ डेटा निकालना है ट्रेवर, मेरे लिए वो डेटा बहुत जरूरी है, इसको सब पता है मेरे बारे में कि मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसने मेरा ही डेटा हैक करा था, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें थी, ये बाबा करनी है सारी की सारी, बाबा ने मेरे को फंसवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है अभी जा करके चेक तो करना ही पड़ेगा। पहुंचते हैं भाई मैरीवेदर के वहां पर पेन ड्राइव लगाता हूँ, पहुंच गया भाई जगह पर, चलिए ट्रेवर ब्रो वॉच को यूज कर ले। तो भाई ये है मैरीवेदर का मेन बेस, यहाँ पर काफी बंदे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गायब हूँ तो बंदे मेरे को नहीं देख सकते, आराम से जाऊंगा बस जहाँ पे इनके कंप्यूटर वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पे जाकर अपना काम करूंगा, और सिंपल तरीके से मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो सामने तरफ काफी गार्ड्स घूम रहे हैं, यहाँ पर बंदा बैठा हुआ अंदर की तरफ, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर भाई सिक्योरिटी तो हमेशा होती है यहाँ पे, तो मतलब बंदे ऐसा है नहीं कि बंदे यहाँ पर ना हो, बंदे हमेशा यहाँ पर होते हैं क्योंकि ये मेन बेस है। देखो मतलब इतने नहीं होते बट रहते हैं ताकि कोई यहाँ पे कब्जा ना कर ले। मैरीवेदर वाले बड़े चालाक बंदे हैं, अपने हर एक बेस पे कुछ कुछ बंदे लगा के रखते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा आगे ना बैठ जाए और अपना राज यहाँ पे ना जमा ले, इसलिए अपनी जगह खाली नहीं छोड़ते। वैसे मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे मैं जगहों पे खुद ना जाऊँ बट अपने कुछ बंदों को वहाँ पे छोड़ दो हमेशा के लिए, ताकि कोई यहाँ पे कब्जा ना कर सके, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। ड्राइवर ब्रो अंदर की तरफ निकलो, तो ठीक है भाई मैं मेन जगह पर पहुंच चुका हूं, यहां मेरे को कंप्यूटर मिलेगा और देखते हैं यहां पे कोई बंदा है नहीं है। हेलो कोई है क्या, वाह भैया बहुत बढ़िया, लापरवाही की मिसाल इसको बोलते हैं। यहां पे तो कंप्यूटर भी है लैपटॉप भी है, कोई से भी मैं लगा दूंगा, लैपटॉप में लगा देता हूं, सभी एक ही नेट से कनेक्ट हो गए तो सब कुछ आराम से हैक हो जाएगा, एक ही सर्वर का सारा डेटा हमें मिल जाएगा। ड्राइवर पेन ड्राइव लगा और निकल, लैपटॉप में मैंने पेन ड्राइव लगा दिया, लेस्टर को फोन कर दिया है, वो अपना काम शुरू कर देगा, 5 मिनट में पूरा मैरीवेदर का डेटाबेस हमारे हाथ में होगा सिंपल तरीके से। चलिए ड्राइवर ब्रो निकलिए फटाफट से, चलिए भाई पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है, मतलब कि बिग माफिया अब क्या मेरे को पता करके बताएगा, अब क्या चीज़ करेगा, और उस बेबी के बारे में कुछ पता चला नहीं चला भाई, उसको भी तो बचाना है मेरे को, जेल में जाकर के। लेस्टर का फोन आया भाई, मैंने यहीं पे सुन लिया, चलिए जल्दी से नहीं तो बंदे मेरे को देख लेंगे, मेरी फैक्ट्री में आ जाए ट्रेवर, बहुत जरूरी तुझसे बात करनी है। उसने मुझे ऐसा बोला, बहुत अजीब बिहेव करा भाई उसने, मतलब अजीब तरीके से बात करी, बोल रहा है कि जल्दी आ ट्रेवर लेट मत करना एक मिनट अभी, चलिए भाई जल्दी से निकलते हैं, ऐसा क्या बात हो गई लेस्टर जो इतने गुस्से में मुझे बुला रहा है अपने पास में। मैं पहुंच गया हूँ लेस्टर न होने के बाद दोबारा से, चलिए भाई ऊपर निकल ड्राइवर ब्रो लेट मत कर, चल 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 खिड़की वगैरह बाद में बंद कर लें, कौन सा ड्राइवर गाड़ी बंदा चोरी करके लेकर के जा रहा है। एक बार वैसे एक भूत आया था जो मेरी गाड़ी चोरी करके ले गया था फिलहाल, बट मैंने उसका नेता बनाया था। हेलो लेस्टर ब्रो बोलो 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 क्या दिक्कत है यार, क्यों परेशान कर रहा है, बार बार बुला जा रहा है। ड्राइवर मैंने सुना है
तूने मेरे को भी नहीं बताया ये बात, तो तू बड़ा अजीब बंदा यार। मैं तेरे लिए सारे काम करता हूँ, तू लूसीफर के लिए काम करता है। सच सच बता ट्रेवर, और तुझे पता है ना लूसीफर ने भाई को मारा है बिग माफिया के, अगर उसको पता चल गया तो उसके लिए क्या होगा? तू दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्यों? वजह मेरे को समझ नहीं आई। ड्राइवर देख मेरे को सारी बात बता, ये देख मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तू लूसीफर के साथ क्यों काम कर रहा है? हम उसको मारना चाहते हैं और तू उसके साथ मिला हुआ है, तू उसको बचा रहा है ट्रेवर। अबे चुप हो जा, बोल बोल के सभी को स्कीम बताई गई तो वही वाली बात है, आराम से बोलना नमूने, मेरे को सब पता है। देख मेरी को बात सुन, वो मेरा एक प्लान है, मैं तेरे को बाद में बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ मैं करता हूँ उसके लिए काम, बट वो कुछ अलग चीज है, तू तो सब जानता है मेरे बारे में, डर मत बचा, ठीक है ना? ये बात तेरे बीच में रहनी चाहिए। तो फिलहाल बेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, मिला या नहीं मिला? बेबी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया मैंने, इसको समझा दिया, किसी को मत बताने बात, ना बिग माफिया को ना किसी को, ये समझ चुका है। चलिए भाई, अपनी वाली जेल में ही बेबी है और वो आराम से फिलहाल तो बैठा के रखा है, जिंदा है, कुछ ही बंदों को मारना है, ज्यादा बंदे भी नहीं है। बट यार गायब होकर जाऊंगे तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा, मास्क लगाना ठीक रहेगा, नहीं तो आपको पता है वॉच मेरे पास ही है, पुलिस वाले सीधा मुझे आगे पकड़ेंगे। तो निकलते हैं भाई जल्दी से, अभी बिल्कुल लेट नहीं करूंगा, अभी देखते हो कौन सी गाड़ी लेकर के जाओ, उसी हिसाब से सारा सारा काम हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड भाई यहाँ पे, अरे बिग माफिया ब्रो क्या हाल चाल है, ये नमूना यहाँ पे कब से खड़ा हुआ है, गड़बड़ ना हो गई हो। हेलो बिग माफिया ब्रो क्या हाल चाल है? ड्राइवर तुझे मैंने भाई माना था यार, मैं यहाँ पे अभी आया और मैंने तेरी और लेस्टर की सारी बातें सुनी, तू मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जिस इंसान ने मेरे भाई को मारा तू उसके साथ मिला हुआ है, तूने मुझे धोखा दिया है ड्राइवर, तू दोस्त नहीं है तू गद्दार है, तूने मुझे धोखा दिया है, तू मेरे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, इसका मतलब तुझे ही पता था वो मेरे भाई को मारेगा, तूने मेरे भाई को मरवाया ड्राइवर, तू है उसके लिए, और मैंने तेरे एक डॉगी के लिए इतना किया, मैं उसको भी, वो इंसान भी नहीं है, मैं कभी डॉगी इसको प्यार नहीं करता, पर तेरे लिए मैंने उसको किया और मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और तूने मुझे धोखा दिया, तू दोस्त नहीं ड्राइवर, आगे से मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और प्लीज मेरा पीछा मत करना। अरे ये तो नाराज हो गया, अरे मेरी बात सुनो बिग माफ़ ब्रो, मेरी बात सुनो, वो बहुत जरूरी चीज है, देखो प्लानिंग है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अभी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो समझा करो, बट मैं तुम्हारे भाई का बदला जरूर लूंगा, आप पक्का मुझ पे यकीन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मैं यार कभी फ्रॉड नहीं कर सकता अपने बंदों के साथ में। अब मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं ड्राइवर, चाहे तुम कुछ भी बता लो, अब मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होता तो मुझे पहले ही बताते, अब मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भरोसा करूंगा, मैं जा रहा हूँ ड्राइवर। लेस्टर ने सारा का सारा काम खराब करवा दिया भाई, बिग माफिया से चला गया नाराज होकर के, और मेरे को बोल रहा है कभी मेरे को शक्ल मत दिखाना, कभी मेरे रास्ते में आना, मैं तेरा भरोसा नहीं करूंगा, अगर मैं उसको सच्ची बता दूं ना मैंने क्यों लूसीफर को ज्वाइन कराया, तो वो अब मेरी बात भी नहीं मानेगा भाई, मतलब सच्ची में अब वो मेरी बात पे यकीन भी नहीं करेगा, सारा काम खराब होगा। ये कब खड़ा था बिग माफिया, चोरों की तरफ बात सुनता है, ये सास बहू के सीरियल देखता है स्टार प्लस पे बैठ करके, मैं तो हद है यार, पीछे आकर के गेट में बाहर खड़ा होकर बातें सुन ली इसने, तो बहुत बुरा हुआ। चलिए पहले बेबी को बचाते हैं, उसके बाद देखता हूँ बिग माफिया को कैसे शांत करना है। यार अच्छा दोस्त था, मेरे को यही डर था कि जैसे इसको पता चलेगा ना मेरे लूसीफर के बारे में, ये उल्टा सोचेगा, ये उल्टा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा। अबे नमूने मेरे को उससे कुछ काम निकलवाना है, पता करना है कर क्या रहा है, और ये सोच रहा है मैंने इसके भाई को मरवाया, हद है यार, मुझे तो पता भी नहीं था। वैसे अगर मुझे सच में पता होता ना 1% के लूसीफर ऐसा काम करेगा तो मैं बहुत पीटता लूसीफर को, मैं मना कर देता कि ये मत करो मेरे दोस्त का भाई है, बट अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है सच में उसने मारा है नहीं मारा। उसने अपने शहर की लोस सैंटोस की जेल में पहुंच चुका हूं, और देखो मेरे पास कुछ ही मिनट्स मेरे को मिलेगी बच्चे को बचाने के लिए। आपको बताइए ये जो डेजर्ट की जेल है, यहाँ पे पहुंचने पुलिस को 5 मिनट का बैकअप लगता है, मतलब 5 मिनट आने में लगता है बैकअप को, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे को सारा खेल खेलना पड़ेगा, मतलब कि उसको बचाना पड़ेगा सारे काम करके, सभी बंदों को मार करके, जितने बंदे पंगा लेंगे। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आया, अगर जेमसन वाली गाड़ी यहाँ पे लेकर के आता है 2 मिनट में सारा काम हो जाता, बट भाई आपको बताइए फिलहाल ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी तक बंदों ने गोली नहीं चलाई है क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे उल्टा सीधा काम करने आया हूं। निकल ले, कॉल 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 फटाफट से कॉल इसको, ड्राइवर ब्रो मार, मैंने भाई मास्क लगा के रखा हुआ है, ये ले बेटे, चाचा सो सॉरी। अरे जैसा भी भाई, फिलहाल बच्चे की इन्फॉर्मेशन है, बच्चा यहीं पर मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सारा काम हो जाएगा, ये ले बेटे, इतना मारूंगा सोचा नहीं होगा फिलहाल। अरे भाई ये बंदे ना मान नहीं रहे, अंदर की तरफ मैं पहुंच गया, ये ले बेटे इतना मारूंगा तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा, सॉरी पुलिस वाले भाई। अरे भाई वहां तक रेंज ही नहीं गई अपने मिनी गन की, मेरे प्यारे भाई चाचा गोली खा लीजिए, गोली खा लीजिए। और एक आपको कमाल की बात और बताऊं, यहां पे कुछ बंदे जो है ना वो मेरे बंदे हैं, आप लोगों ने कुछ बंदों ने नोट करा होगा, ये बंदे मेरे ऊपर गोली चला ले, ये मेरे ऊपर गोली चलाएंगे नहीं, मैंने फोन करके बोल दिया कि तुम लोग जितने मेरे लिए काम करते हो गोली चलाना, मैं लेस्टर को बोल करके ना सभी कैमरास की फुटेज को डिलीट कर दूँ, किसी को पता नहीं चलेगा तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था। ये वो मेरे बंदे जो मेरे पुलिस वालों में खबरी है, तो मैंने अपने खबरियों को बोला मेरा साथ देना जेल में आकर के, मैं बच्चे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, तो इन्होंने भाई अपनी जॉब को रिस्क में डाल करके मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये देख रहे हो ये बंदे मेरे ऊपर गोली चला रहे, ये पुलिस वाले ही बंदे हैं, बट ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, कैमरास को हमने हैक करके रखा है, कोई पता नहीं कर पाया किसने किसको मारा। ये बोल देंगे कि ड्राइवर सर, ये बोल देंगे कोई अनजान बंदा घुसा और किसने सबको मार दिया और बच्चे को लेकर के भाग गया,
तो अभी सिंपल काम हो गया ना भाई, नहीं तो बहुत मेहनत लगती मेरे को सही बैकअप को जान से मारने में। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिसर्स बेबी कौन से सेल में है, बेबी कहाँ पर है जल्दी मेरे को बताओ, उसको लेकर के मेरे को जाना है, उसके बाद सारा काम मैं कर दूंगा। तो फिलहाल पुलिस वालों ने साथ दिया है भाई, देख रहे हो ये पुलिस वाला मेरे लिए काम करता है, लगता है कोई और बंदा गोली चला रहा है कहीं और से, बहुत मारूंगा फिलहाल। ये ले बेटे, ओके ये बंदा ही मेरा है भाई, क्योंकि देखो जो बंदे अपने होते हैं उनको हम गोली नहीं मार सकते। तो फिलहाल ये बंदे सारे के सारे मेरे लिए वाले हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिलहाल कुछ कुछ बंदे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, तो मैं जल्दी से बेबी को ढूंढता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ड्राइवर ब्रो फटाफट से चेक कर, बढ़िया हो गया भाई, सिंपल हो गया ना, नहीं तो बहुत बंदों को मारना पड़ता। दो ही मिनट बची होगी बैकअप को आने में, इससे पहले बैकअप आ जाए मेरे को बेबी को निकलना पड़ेगा। ऑफिसर कहाँ पर है बच्चा, मैंने बात करी थी ना, टेंशन मत लो तुम्हें कुछ नहीं होगा, जॉब आराम से रहेगी, कैमरा को मैं डिलीट करवा दूंगा, ठीक है ना भाई। बेबी को मैं लेकर के आ चुका अंदर की तरफ से, हमारा प्यारा बेबी आकर के बैठ गया है, टेंशन मत ले बेटे। और अभी मेरे को सारे राज बताना अपने बारे में, ऐसे बैठ रहे नीचे गर्दन करके, हाँ बहुत बढ़िया, तेरे को बताऊंगा मैं, तुम भागा क्यों मेरी फैसिलिटी से, तेरे को क्यों बचाने के लिए आया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ पता है पुलिस स्टेशन से, देख रहे हो भाई अमेजिंग लेवल है, ये काम से ट्रेवल ही कर सकता है। ऑफिसर थैंक यू, तुम लोगों ने मेरा साथ दिया इससे पहले भाई बैकअप आए, जल्दी से निकल जाते हैं, ओके बहुत बढ़िया काम होगा, थैंक यू ऑफिसर, पैसे इतने दूंगा तुम लोगों ने सोच नहीं होगा। पुलिस वालों ने भाई कितनी हेल्प करी है जेल को तुड़वाने में, बट शायद से वो भी चाहते थे कि बच्चा मासूम है, सबको बताया बच्चा मासूम ही है, तो इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत कम ऐसा होता है, इन्होंने सोचा कि ड्राइवर भाई सही काम कर रहे हैं, एक मासूम बच्चे को नहीं तो क्रिमिनल्स मार देंगे, बचवा लेते हैं। तो फिलहाल ऐसा सारा का सारा काम हुआ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस वाले को कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, बात ही खत्म है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बेबी चल, तेरे को फिर से फैसिलिटी में लेकर के चलता हूँ, और सच्ची में अब की बार अगर तूने ऐसा किया मैं तेरे को अब की और खुद ही फिर दुश्मनों के पास पहुँचा दूंगा, और मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगा, सच बता रहा हूँ, आगे से ऐसा कभी मत करना। पहुँचते हैं भाई फैसिलिटी में लेकर के, और पता करता हूँ गायब कैसे हुआ था मेरी फैसिलिटी में, वॉच को यूज करी थी इसने, वो क्या था। पहुंचते हैं, मैं इस बेबी को भाई फैसिलिटी में लेकर के आ चुका हूँ, अब ये मेरे को सॉरी बोल रहा है कि सो सॉरी मैंने आपको गलत समझा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले किया। फिर मैंने इसे पूछा अच्छा बता तू किने किया कैसे था, पहले ये मैं जानना चाहता हूँ भाई। इसके पापा बड़े कमाल है, इसके पापा कुछ बंदे साइंटिस्ट थे जानने वाले, जो अभी भाई नहीं है मर चुके हैं, बट वो थे, उन्होंने ना टेस्टर जैसे एक्सपेरिमेंट बना के रखा है, बट उसमें थोड़ा इतना एडवांस नहीं है, कमजोर है, बट भाई वो इसको गायब कर देता है एक घंटे के लिए, और 24 घंटे में एक बार यूज़ कर सकते हो। मतलब इसके पास भी सेम ऐसी वॉच है, इसके पापा ने बनवा के सब गिफ्ट कर दी, ताकि एमरजेंसी में सिक्योरिटी के लिए कभी भी ये खतरे में तो उसको यूज़ करके वहाँ से भाग सके। तो फिलहाल इसके पास भी सेम ऐसी वॉच है, सही ड्राइवर के पास है, बट वो लिमिट वाली है, जैसे कि 24 घंटे में एक बार यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद सिर्फ वो एक घंटा तक काम करती है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप दिखने लगोगे, और फिर अगले 24 घंटे में यूज़ कर सकते हो, तो वो पता ही है थोड़ी लिमिट वाली है। बेटे बेबी तुमने कभी ये देखी है ड्राइवर की वॉच, देख कभी भी यूज करो, अनलिमिटेड टाइम, अमेजिंग लेवल, भाई तेरी तरह ये जुगाड़ू नहीं है, अपने तो गवर्नमेंट काम है, इसका बोलते हैं टेस्टर जी की एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देख अब की बार मत भागना, और अपनी वॉच को यूज मत करना, और अच्छी चीज है तेरे पास इसकी सिक्योरिटी के लिए रख, बहुत बढ़िया है भाई, इसकी वॉच काम आएगी, जब लूसिफर के पास मैं इसको लेकर के जाऊंगा, ये अपनी वॉच से अपनी जान बचाएगा, बहुत बढ़िया है, अपनी वॉच को हमेशा अपने पास रखना बच्चे, ठीक है ना। तो ठीक है मेरे, मैं निकलता हूँ, चलिए भाई मैंने इसकी जान बचा लिया पुलिस वालों से, बहुत बढ़िया, और उन क्रिमिनल्स से, बेचारों को देखो कैसे ले गए थे जेल में, करप्ट बंदे होते हैं भाई, जैसे मेरे वालों ने मेरा साथ दिया, और कुछ करप्ट बंदों ने उनका साथ दिया, ताकि इसको किडनैप करके जेल में ला सके, अमेजिंग लेवल है। देखो गोली भी कहाँ आ रही है, शर्म नहीं आती बंदों को, यार ये बिग माफिया सच्ची पागल हो गया है भाई, जल्दी से मेरे को जाना पड़ेगा बिग माफिया भैया, ऐसा मत करो, लेस्टर का फोन आया मेरे को, बोल रहे ड्राइवर सो सॉरी यार मेरी वजह से सारा काम खराब हो गया, सच में लेस्टर की वजह से, अगर वो मेरे को बुला के नहीं बोलता ना, अगर फोन पे बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसने मेरे को बुला के सारी बात तेज तेज बोली और उसने सुन लिया, वो लोस सेंटर्स छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है भाई, एयरपोर्ट पे उसका प्लेन रेडी है, वो जाने लग रहा है, उसको रोकना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गई। मैं पहुंच गया भाई एयरपोर्ट पे, बिग माफिया ब्रो प्लीज मेरी बात सुन तो सही यार, एक मिनट रुक तो सही, मैं मानता हूँ देख गुस्सा हो के रखे हो, मैं बात समझा सकता हूँ, देखो मैं सच बोलूंगा, मैं बताता हूँ, देखो मैं लूसिफर से पता करना चाहता हूँ, वो बंदा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है मेरे खिलाफ, जो मेरे लिए मुसीबत बनने वाली है, मैंने उसको ज्वाइन इसलिए करा ताकि मैं सिर्फ उसके राज पता कर सकूं, बाकी मेरे को नहीं पता था यार उसने तुम्हारे भाई को मारा, मुझे तो तुमने ही बताया आज सुबह, तुम्हारी वजह से मैंने शादी डिले कर ली, यार देखो तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं सच में कभी धोखा नहीं दे सकता, मैं बहुत ईमानदार बंदा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बिग माफिया ये तुम्हें पता ही है। ड्राइवर प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं चाहता नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा काम करूँ, आगे से कभी प्लीज अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, तुम गद्दार हो ड्राइवर, बात खत्म। ए बिग माफिया बिना भाई, अमेजिंग लेवल का नमूना यार, चला गया प्लेन को उड़ा के लेकर के चला गया, अभी क्या कर सकते हैं उसने, मतलब मैंने काफी बातें और भी करी उससे, समझाया काफी कोशिश करी, बट वो नहीं माना, बोल रहा है कि आज के बाद मुझसे मत मिलना ड्राइवर वगैरह वगैरह, पहुंच गया बंदे के साथ में, पता नहीं भाई अभी कहां पर जाने वाला है, सच्ची में बिग माफिया ब्रो अच्छा बंदा था यार, साफ काफी मतलब साथ दिया इसने मेरा, ऐसे कैसे चला गया यार इतनी सी बात पे, इसने मेरे को मतलब मौका भी नहीं था साबित करने का,
एकदम से मतलब क्या इसने दुश्मन की बात पे, ये लेस्टर को ऐसा मन कर रहा है पीटने का सही में। लेस्टर ब्रो बस क्या मारो लेस्टर को नमूने ने, इसको पता नहीं है कि ट्रेवर जब भी कुछ काम करता है सारे के सारे प्लानिंग से करता है, इस लेस्टर की वजह से भाई सारा काम खराब हो गया। चलो जैसे भी माफी को मैं जरूर समझाऊंगा, बट समझाऊ कैसे, तो शहर ही छोड़ के चला गया भाई। चलो जब आएगा तब देखूंगा, बट ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार। बिग माफी का भाई गया, अब क्या करे, अब शादी करे ना करे, बट यार अब अगर मैंने शादी कर ली तो बंदा और गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा कि ले ड्राइवर मेरे चक्कर में था, शादी कर रहा है मजे ले रहा है, कोई दुखी नहीं है दोस्त के भाई का। अभी तो इसको मनाना पड़ेगा भाई, देखते जैसे भी होगा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो से इतना, वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके पहला आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो से इतना ही, जब तक के लिए बाय।